हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है समीक्षा इंस्टीट्यूट के चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी एमपी की सीरीज चल रही है और ये सीरीज समीक्षा पब्लिकेशन के माध्यम से आप सभी के सामने प्रतिदिन प्रस्तुत होती है। और आज का टॉपिक हमारा है मध्य प्रदेश की नदियाँ। दोस्तों, 2019 एमपीपीएससी का जो लोग टारगेट कर रहे हैं उनके लिए सीरीज बहुत ही लाभदायक होगी। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश की नदियाँ। चलिए दोस्तों देखते हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। जानने से पहले नदियों के बारे में जान लेते हैं नदियां क्या होती है। नदियां एक ऐसी जल राशि होती है जो एक स्थान से निकल के और एक लंबा सफर तय करके अपने मुहाने पे जाके एक बड़ी जल राशि में जाके मिल जाती है और इस बीच वह अपनी बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में होती है। जब कोई भी नदी किसी भी पर्वत या किसी भी स्रोत से निकलती है तो वो बहुत ही तेजी से निकलती है और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो धारा है और उसकी जो वेग है वो कम होता जाता है। और जब वो अपने मुहाने पे होती है तो वो अपने साथ जो अवसादित कर्ण लेके आती है उसको एक जगह बिछाती है और अपने साथ और एक बड़ी जलराशि में जाके मिल जाती है। तो दोस्तों, अब हम जैसा कि हम सब जानते हैं भारत नदियों का देश रहा है। इसमें जो भारत की नदियां हमेशा आज से आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण योगदान दे रही। सिंधु घाटी सभ्यता या कोई भी सभ्यता, विश्व की कोई भी सभ्यता एक बड़ी नदी के आसपास ही हमें देखने को मिलती। भले ही वह टिग्रिस नदी के किनारे हो या फिर युआंग नदी के किनारे हो जो चीन में हुई थी। और दोस्तों, किसी भी सभ्यता का जन्म हमेशा एक नदी के किनारे ही मिलता है। और भारत की नदियों में को हम वर्गीकृत करते हैं तो चार तरीके से कर सकते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां, प्रायद्वीपी भारत की नदियां, तटवर्ती नदियां एवं अंतरदेशीय नाल एवं द्रोणी क्षेत्रों में बहने वाली नदियां। चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम छोटा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भारत का नक्शा, यहाँ पर हिमालय है। तो हिमालय से निकलने वाले तीन प्रमुख नदी तंत्र हैं जो कि है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा ताप्ती बड़ी नदियां हैं। फिर ये तटवर्तीय नदियां हैं, ये सॉरी प्रायद्वीपी भारत की नदियां हैं हमारी। ये पूरी नर्मदा वो महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो अंतरदेशीय नदियां। चलिए देखते हैं हम भारत मध्य प्रदेश की नदियां। मध्य प्रदेश में अनेक नदियां प्रवाहित होती है लेकिन यहाँ पर वर्ष भर बहने वाली नदियां कम है। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नर्मदा एवं ताप्ती पश्चिम की ओर जाने वाली नदियां हैं। देखिए दोस्तों, इस नक्शे के द्वारा मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको कुछ प्रमुख नदियां मध्य प्रदेश की दिखाना चाहती हूँ। ये है नर्मदा नदी। ये नदी हमारे अनूपपुर जिले के अमरकंटक से पर्वत से होकर निकलती है और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोला जाता है। इसे और इसकी एक प्रमुख जो नदी है, सहायक नदी, वो है तवा। दोस्तों, साथ ही साथ सेम उसी जगह से अनूपपुर के अमरकंटक से सोन नदी भी निकलती है। ये जो है वो उत्तर की ओर बह जाती है नदी और हमारी अमरकंटक जो है वो पश्चिम की ओर निकल आती है। और दोस्तों, यहाँ से एक और नदी निकलती है, वो है जोजिला। जोजिला जो है वो सोन की ही एक सहायक नदी है, तो जोजिला जो है वो भी यहाँ से निकलती है। अब आप देख सकते हैं कि वैनगंगा, ये दक्षिण की ओर जाने वाली सिर्फ प्रदेश की सिर्फ इकलौती नदी है। यहाँ से ताप्ती नदी निकलती है, ये भी हमारी नर्मदा के समांतर चलने वाली एक नदी है जो कि पश्चिम की ओर जाती है। और ये दोनों ही नदियां जो हैं वो नदी घाटी में, भ्रंश घाटी में बहती हैं दोस्तों। इसीलिए इस नर्मदा नदी के ऊपर जो है वो है हमारा विंध्यन पर्वत श्रृंखला और नर्मदा नदी के नीचे जो है वो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। दोस्तों, जब हमने प्राकृतिक विभाजन पढ़ा था मध्य प्रदेश से, तब हमने ये श्रृंखलाएं भी पढ़ी थी। अब हम देखते हैं
बेतवा नदी, बेतवा नदी हमारी रायसेन से निकलती है और उत्तर की तरफ जाके यमुना से मिल जाती है। केन नदी ये भी उत्तर की तरफ जाती है और यमुना में मिल जाती है। और सोन नदी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, मतलब कि सहायक नदी है। दोस्तों यहाँ से एक तोस नदी भी निकलती है जो कि गंगा की सहायक नदी है। और यहाँ से देखते हैं अपन, विदिशा से सिंध नदी निकलती है जो कि एक चंबल की ट्रिब्यूटरी है। दोस्तों नर्मदा के बाद जो दूसरे नंबर पर नदी आती है वो है चंबल। चंबल जो है जानापाव की पहाड़ियां मऊ से, इंदौर से, इंदौर के मऊ से चंबल नदी निकलती है। ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की और ये राजस्थान के बॉर्डर से होते हुए यमुना में इटावा पे जाके मिल जाती है दोस्तों। और चंबल की एक महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है वो शिप्रा, देख सकते हैं आप। शिप्रा जो है वो मालवा की गंगा कही जाती है और माही भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है दोस्तों। नर्मदा, नर्मदा जैसा कि मैंने बताया ये प्रदेश की सबसे बड़ी नदी एवं भारत की पांचवी बड़ी नदी है। अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है और दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो है 13-12 और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 10-77। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके अन्य नाम देख लेते हैं। मेकल सुता, रेवा, नमा नमोदे सॉरी नमो दोस, सोमोदेव, सोमोदेवी इत्यादि इसके नाम है। ये मध्य प्रदेश एवं गुजरात की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे दुग्ध धारा और कपिल धारा जो जलप्रपात है वो है अमरकंटक में, अनूपपुर जिले में ही है मतलब की। और फिर यहाँ पे जबलपुर में है धुआंधार जलप्रपात और महेश्वर में है सहस्त्र धारा जलप्रपात। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि नर्मदा पे कई नदी परियोजनाएं हैं जिसमें से दो इम्पोर्ट मतलब कई तो नहीं। दोस्तों नर्मदा पर जो नर्मदा घाटी परियोजनाएं हैं उसके तहत दो इम्पोर्टेंट जो परियोजनाएं हैं बड़ी वो है इंदिरा सागर और सरदार सरोवर। दोस्तों जब सरदार सरोवर डैम बन रहा था तब वहां से बहुत सारे लोगों को, एक जब भी कोई नदी पर डैम बनता है तो उसके आसपास के जो लोग होते हैं उनको वहां से हटाया जाता है, उन्हें वहां से माइग्रेट कराना पड़ता है। तो उसी के तहत जब नर्मदा पे डैम बन रहा था तो ये मेघा पाटकर है एक एनवायरमेंटलिस्ट, इन्होंने वहां पे नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। और इसी के तहत यहाँ पे सिंगुल समिति नर्मदा, इस नर्मदा विवाद से संबंधित है, ये हमें याद रखना है सिंगुल समिति। दोस्तों नर्मदा एक ऐसी नदी है जिसकी सर्वाधिक सहायक नदियां वो की है 41। ठीक है दोस्तों, प्रमुख इसकी जो सहायक नदी है तवा, शक्कर, कोलार, बना बराना, दूधी इत्यादि। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है और ये एस्चुरी बनाती है। दोस्तों देखिए जब भी कोई नदी ऊपर से मतलब काफी वेग के साथ आती है और फिर धीरे धीरे अपनी जो स्पीड है वो कम हो जाती है और फिर जो उसके साथ जो जो अवसाद आते हैं और वो उसको जमा करती जाती है किनारे पे समुद्र में मिलने से पहले वो जमा कर देगी तो वो एक डेल्टा बना लेगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई नदी जाए और स्पीड से बिना अपने अवसाद को जमा करे सीधे गिर जाए तो वो एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ऐसे ही जो नर्मदा है वो एस्चुरी का निर्माण करती है ना कि डेल्टा का अपने मुहाने पर। ठीक है दोस्तों, अब हम ताप्ती देखते हैं। ताप्ती भी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है जो कि नर्मदा के समांतर बहती है। हमने देखी थी ये कहाँ से निकलती है, ये मुल्ताई पर्वत से निकलती है और अरब सागर के खंभात में मतलब खंभात की खाड़ी में मतलब अरब सागर में जाके गिर जाती है। मध्य प्रदेश जो ये महाभारत काल में इसको सूर्य की पुत्री बोला गया है दोस्तों। और साथ ही साथ मैंने बताया जैसे कि ये भी नर्मदा की भांति डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुरी बनाती है। इसकी लंबाई है 724 किलोमीटर दोस्तों और ये महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश तीनों जगह बहती है। चंबल नदी ये प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। इसकी सहायक नदी है काली सिंध, शिप्रा, पार्वती, बनास। ठीक है दोस्तों,
और इसका जो पुराना नाम है वो है चर्मावती। चर्मावती इसलिए क्योंकि माना जाता है कि प्राचीन काल में इसके नदी के पानी को पीकर चर्म रोग से लोग मुक्ति ले लेते थे, इसलिए इसका नाम चर्मावती पड़ गया। दोस्तों इंदौर के ये कहाँ से निकलती है, जाना पाओ की पहाड़ियों से निकलती है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया ये पहाड़ियां मऊ में है, इंदौर के मऊ में, और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा से बहती हुई उत्तर प्रदेश में इटावा में यमुना से मिल जाती है दोस्तों। और इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर, तो हमें याद रखना है दोस्तों। मध्य प्रदेश जो है उसमें कई सारी बड़ी नदियां, इसलिए यहाँ पे कई सारी नदी परियोजनाएं भी हैं। इसलिए दोस्तों चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, देखिए दोस्तों चंबल नदी जैसे कि हमारी इंदौर के उससे निकलती है और मंदसौर होते हुए अपने राजस्थान में घुस चली जाती है, और साथ ही साथ एमपी का जो बॉर्डर है हमारा उससे बहते हुए इटावा के उसमें मिल जाएगी। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, तो ये अगर ऐसे जा रही है तो दोस्तों ये मंदसौर में एक इस पे डैम है गांधी सागर, दूसरा इस पे महाराणा प्रताप सागर डैम है, और यहाँ पे इस पे कोटा पे आते हैं तो फिर यहाँ पे जवाहर सागर डैम है। तो दोस्तों ये पूरा चंबल घाटी परियोजना, ये बहुत जब देश की जो पुरानी पुरानी जो नदी परियोजना है उनमें से एक है ये, इसका जो उद्घाटन है, सॉरी ये इनमें से एक है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आपको, एक है इस पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, और यहाँ पे कोटा में है जवाहर सागर, तो तीन इस पे इम्पोर्टेंट है, जिसमें से मंदसौर में एक जो है वो मंदसौर में इस पे इम्पोर्टेंट ये। इस पे एक जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात, जो कि चंबल नदी पे कोटा में एक इम्पोर्टेंट नदी है मध्य प्रदेश की बेतवा। बाण सागर की कादम्बरी एवं कालिदास के मेघदूत में इसका वर्णन हमें मिलता है बेतवा नदी का। और रायसेन के कुमरा गांव से, कहां से दोस्तों, कुमरा गांव से ये निकलती है और उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास यमुना से मिल जाती है दोस्तों। अब हम इसका जो पौराणिक नाम है वो है वेत्रावती। वेत्रावती क्या है, ये इसका पौराणिक नाम है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश की गंगा इसको बोला जाता है। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है, और लंबाई इसकी कितनी है 480 किलोमीटर। साथ ही साथ इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें से जो प्रमुख है वो है धसान और बीना, और माता टीला बांध इसी पर स्थित है दोस्तों। तो बेतवा के किनारे एक और इम्पोर्टेंट है, इसमें एक और आता है ओरछा, जो पूछ लेते हैं ओरछा किस नदी के किनारे, तो ओरछा बेतवा नदी के किनारे, ये भी इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात है। और अब जो ओरछा है वो हमारा निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आ गया, जो हमारा 52 स्टेट है वो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। हमने पढ़ा थे सारे डिवीजन हमने कवर कर लिए हैं, तो आप सब चाहें अगर आपको छूट गया तो वो वीडियो भी कवर करें, ठीक है दोस्तों। देखिए अब हम बात करते हैं सोन नदी की। सोन नदी भी मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट नदी है, ये वहीं से निकलती है जहां से हमारी नर्मदा निकलती है। इसकी सहायक नदी कौन सी है, इसकी जो सहायक नदी है वो बनास और रिहान, दो इम्पोर्टेंट इसकी सहायक नदी है, साथ ही साथ जोजिला भी इसकी एक इम्पोर्टेंट सहायक नदी है, ठीक है दोस्तों। ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, पटना के पास दीनापुर में ये गंगा से जाके मिल जाती है, और इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा सोन नदी को ही स्वर्ण नदी कहा जाता है, ये एमसीक्यू पूछा भी गया है एक बार। ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है। बाण सागर परियोजना इस नदी पर शहडोल जिले में, देखिए बाण सागर जो परियोजना है वो सोन नदी पर, हमें ये याद रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ कहाँ पर है, ये शहडोल जिले में है, ठीक है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी वो बताई दी है जो जिला, और इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर, ठीक है। हम देखते हैं आगे, कालीसिंध ये एक इम्पोर्टेंट नदी है, ये देवास जिले के बगली गांव से निकलती है और राजस्थान और चंबल से होते हुए चंबल में मिल जाती है बहते हुए। इसकी जो लंबाई है वो 150 किलोमीटर है दोस्तों। सिंध जो है वो विदिशा के जिले के सिरोंज तहसील से निकलती है और चंबल में इटावा के पास जाके इससे मिल जाएगी। मतलब दोस्तों अगर मैं बोलूं तो विदिशा से जाएगी और ये चंबल नदी जो है उसमें इटावा के पास जाके मिल जाएगी। और दोस्तों एक और हमने देखा, चंबल जो है वो इटावा में ही थोड़े इससे आगे जाके यमुना से मिल जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लोग अभी तक कंफ्यूज रहते हैं, सिंध काय की सहायक नदी है, किस नदी की है, यमुना की है कि चंबल की, तो हमेशा याद रखना सिंध जो है वो चंबल की सहायक नदी है ना कि यमुना की।
यमुना की चंबल सहायक नदी है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात एक और है कि जो सिंध है वो गुना को दो बराबर भागों में बांट देती है। पार्वती नदी, दोस्तों ये पार्वती नदी विंध कगार के उत्तरी ढाल, मतलब कि ये विंध कगार का उत्तरी ढाल कहाँ पड़ेगा हमारा, सीहोर जिले में, यहाँ से निकलती है। यह मध्य प्रदेश के पठार से, सॉरी ये मध्य भारत के पठार से राजगढ़, ब्याजरा, ब्यावरा, चौड़ा, गुना तहसील से सीमा पर कुछ दूर बहती हुई चंबल से मिल जाएगी। मतलब कि पार्वती क्या है, पार्वती भी हमारी चंबल की ही सहायक नदी है। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट नदी देख लेते हैं दोस्तों, यह है तौस नदी। तौस नदी जो है वो ये सतना जिले के कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से, सतना जिले के कैमूर के पहाड़ियों से निकल के गंगा में मिल जाती है, कहाँ, सिरसा उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। इसका प्राचीन नाम तमसा और इसका इसकी जो सहायक नदी है वो है बीहट और वेलन। दोस्तों बीहट नदी, बीहट नदी है वही नदी है जिसपे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो दोस्तों ये मैं पहले भी आपको, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि 130 मीटर का है वो इसी नदी पे है, बीहट नदी। उसका नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए मैं आपको एक और नदी बताती हूँ इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश की, वो है वेन गंगा। ये एकमात्र मध्य प्रदेश की ऐसी नदी है जो कि दक्षिण मुखी है, मतलब कि दक्षिण की ओर जाती है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये गोदावरी नदी तंत्र का ही हिस्सा है, ठीक है। मतलब नीचे जाएगी और ये वारदा के संग मिलके प्रणहिता बनके और फिर गोदावरी से आके मिल जाएगी। मतलब जहाँ पे ये वारदा से मिलती है उसको प्रणहिता बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, प्रणहिता बोलते हैं। तो ये स्थान कहाँ पे, महाराष्ट्र में है दोस्तों। और इसकी लंबाई है 570 किलोमीटर। ये नदी कहाँ से निकलती है, इम्पोर्टेंट ये है हमारे ये भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ मैंने जो और पॉइंट बताया वो भी इम्पोर्टेंट है। ये है कि सिवनी के पारसवाड़ा पठार से निकलती है। कहाँ से, पारसवाड़ा पठार से निकलती है, वहां के जो प्रतापपुर से निकलती है, मतलब जो सिवनी के पारसवाड़ा पठार के पास प्रतापपुर नामक जगह है वहां से निकलती है, मध्य प्रदेश की वारदा नदी में जाके मिल जाती है दोस्तों। और वैनगंगा के तट पे बालाघाट जिला स्थित है, ठीक है दोस्तों। अब आपको समझ आ रहा होगा कि सारी नदियां मध्य प्रदेश से निकलेंगी और बाहर चली जाएंगी, दूसरे किसी जिले में, दूसरे किसी राज्य में जाके किसी नदी से मिल जाएंगी, या फिर कुछ डायरेक्ट जैसे अपनी नर्मदा है, ये भी दूसरे राज्य में जाएगी, क्योंकि इस ऑब्वियस सी बात है कि मध्य प्रदेश जो है देश के बीचों बीच स्थित है और जिसके आसपास सारी वो है। अब किसी भी नदी को अगर किसी मुहाने तक जाना है तो किसी ना किसी और नदी का सहारा लेना पड़ेगा या किसी और राज्य से होके ही उसको समुद्र में जाएगा, तो सीधी बात है। इसीलिए आपको पता ही, मध्य प्रदेश को जो है वो नदियों का मायका इसीलिए ही बोला जाता है, ठीक है। अब शिप्रा देखते हैं, ये इंदौर की काकरावर्डी पहाड़ियों से निकलती है और चंबल में मंदसौर के पास जाके मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। इसे मालवा की गंगा बोला जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा किसे बोला जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा हमारी बेतवा नदी को बोला जाता है, लेकिन मालवा को शिप्रा, मालवा की गंगा शिप्रा नदी को बोला जाता है दोस्तों। इसकी लंबाई जो है 195 किलोमीटर है। इसकी जो सहायक नदियां वो खान एवं गंगी है। खान नदी जो है वो इंदौर, क्वेश्चन आता है इंदौर किस नदी के किनारे, खान नदी के किनारे, ठीक है। तवा, ये पचमढ़ी में महादेव पर्वत से निकलती है और होशंगाबाद में नर्मदा से जाके मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। कुंवारी नदी, कुंवारी नदी जो है वो गंगा नदी तंत्र का ही हिस्सा है और यमुना नदी तंत्र जो है उसका उपहवा तंत्र है, ठीक है। शिवपुरी पठार से निकलती है भिंड जिले के लहार तहसील में, ठीक है, लहार तहसील में जाके ये सिंध नदी से मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, कुंवारी नदी हमारी सिंध नदी की ही सहायक नदी है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं हम कैन नदी। कैन नदी क्या है, गंगा नदी तंत्र का ही पार्ट है। ये यमुना में जाके मिलती है, कहाँ पे, बांदा जिला में निकलती है। कहाँ से, कटनी की कैमूर पहाड़ियों से निकलती है एवं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जाके मिल जाती है। और किससे मिलती है, यमुना से मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं माही नदी। ये माही अवा तंत्र इसका अलग ही है, माही बेसिन। और दोस्तों ये कहाँ से निकलती है, धार जिले से होकर राजस्थान के बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिले में से बहती हुई गुजरात में प्रवेश करती है और खंबा की खाड़ी में जाके समा जाती है। दोस्तों माही एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, ठीक है दोस्तों। इसका जो पाथ है वो ऐसा है, यू टर्न लेती है, ठीक है। धसान अपवाह तंत्र इसका कौन सा, यमुना नदी तंत्र है।
रायसेन जिले से निकलती है, बेतवा की सहायक नदी है दसान। कूनो, कूनो है जो गंगा नदी तंत्र का ही पार्ट है, शिवपुरी के पठार से निकलती है, चंबल में जाके मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। विदिशा नदी का जो किस विदिशा जो है सॉरी विदिशा जिला जो है वो किस नदी के तट पे है, तो आप खुद देखिए दोस्तों किस नदी के तट पे होगा, ये बेतवा के तट पे है। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती दोस्तों। हमने बेतवा पढ़ ली, हमने नर्मदा पढ़ ली, हमने ताप्ती पढ़ ली, इसका मतलब क्या है, कृष्णा नदी नहीं निकलती है। ठीक है, अब हम ये जो जोड़ियां मिलाने को दी गई है, मुलताई से क्या निकल, मुलताई से ताप्ती नदी निकलती है, अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, जानापाव से चंबल निकलती है और रीवा से बीहट निकलती है। तो इस हिसाब से इसका सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम देखते हैं बेतवा नदी का उद्गम स्थान, बेतवा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, अभी तो हमने पढ़ा रायसेन है, बेतवा रायसेन से निकलती है। कपिल धारा एवं दुब धारा ये इंपॉर्टेंट दो जलप्रपात है, मैं भूलने ही नहीं है कैसे भी, ये नर्मदा नदी के जलप्रपात है। इस पे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमने पढ़े हैं, सहस्त्र धारा है और भी बहुत सारे जलप्रपात है हमने पढ़े। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, कॉमेंट करें, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, उसका नाम बताएं प्लीज। थैंक यू।